इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले, ये अपील सत्येंद्र जैन ने की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। दिल्ली सरकार ने 13,000 बेड्स तैयार किए हैं, वेंटिलेटर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सत्येंद्र जैन ये बातें कह रहे हैं। तो देखिए, ये हर कोई आग्रह कर रहा है, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आपको जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, घर में रहें और सुरक्षित रहें। दिल्ली में भी और पूरे देश में भी कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे, अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हफ्तों से हर हफ्ते डबल तो हो ही रहे हैं और देश में भी और दिल्ली में भी डबल करके चल रहा है। देखो, 13,000 केसेस भी हैं। पिछली बारी जो था कि वो पॉजिटिविटी के हिसाब से मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस थे नवंबर में 2-3% तक डेथ हो रही थी, 2-2.5% चल रही थी। दुखद है, मतलब एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, परंतु नाकड़ा तो वही कह रहा है कि अभी भी 0.5% से कमी चल रही है। कोरोना से हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली में हालात ये हो चले हैं कि दिल्ली के 24 अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स ही नहीं हैं। बेड्स की किल्लत हो गई है। वहीं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 93% वेंटिलेटर बेड्स भी भरे जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण जो हाल है अब वो खराब होते जा रहे हैं, या फिर ये कहना सही रहेगा कि अब वो बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जो बेड्स की संख्या है वो बेहद चिंताजनक है और लगातार वो जो वेंटिलेटर के बेड्स की जो बात करते आए हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली में अगर मैं आपको आज 14 अप्रैल के बाद बताऊं तो यहां पर जो लोकनायक अस्पताल, दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, वहां 200 वेंटिलेटर बेड थे, लेकिन अब वो शून्य रह गए हैं, यानी कि एक भी व्यक्ति अब वेंटिलेटर का बेड अगर लेना चाहता है नहीं मिल पाएगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का, वहां पर 200 वेंटिलेटर बेड थे, अब एक भी बेड यहां पर आपको नहीं मिल पाएगा। जीटीबी में 6 बेड है, लेकिन उसके लिए भी जो मरीज हैं लगातार एक लड़ाइयां चल रही हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वहां पर भी एक भी बेड नहीं है। बुराड़ी अस्पताल, वहां पर भी वेंटिलेटर का एक भी बेड नजर नहीं आएगा, यानी कि अब जो वेंटिलेटर बेड्स हैं वो 90% पूरी दिल्ली में भर चुके हैं। और यही समस्या की बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल भी आए थे कि अगर दिल्ली में हालात खराब होते हैं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और यह शायद ये पहला वही कदम दिख रहा है कि किस तरह से वो हालात खराब हो रहे हैं। आज बुधवार को ये स्थिति है, जो बेड्स की संख्या है, अगर आप वेंटिलेटर के बिना सिर्फ बेड्स भी लेना चाहते हैं तो भी दिल्ली के 24 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आपको ये लाल निशान दिखेगा, यानी कि यहां पर बेड्स ही नहीं है। वेंटिलेटर और आईसीयू की तो आप बात छोड़िए, दिल्ली के 24 बड़े अस्पतालों में तो अब वो बेड्स भी खत्म हो चुके हैं। दिल्ली कोरोना ऐप, दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप है, यहां पर येलो और लाल ये आपके लिए खतरे का निशान हो सकता है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहां पर वो बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दिल्ली में साफ तौर पर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, यानी कि 14 प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ कोविड के लिए बना दिया गया है, उनमें से भी बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त दिल्ली लड़ रही है उन वेंटिलेटर बेड्स के लिए जो आईसीयू में होते हैं, वो अब लगातार कम होते जा रहे हैं। आज सुबह का जो आंकड़ा 120 के आसपास था, वो अभी 11 बजते तक कितना पहुंचा है, वो पहुंच चुका है 70 तक, यानी कि अब अगर दिल्ली में 2 दिन और मामले ज्यादा आते हैं और वो गंभीर मामलों को वेंटिलेटर बेड चाहिए होता है, उन्हें नहीं मिल पाएगा। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। और देखिए, दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल LNJP के बाहर नॉन कोविड मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। दरअसल कोरोना की चौथी लहर के चलते LNJP में OPD सेवाओं को बंद करना पड़ा है। सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों का यहाँ पर इलाज हो रहा है और इसी वजह से जो नॉन कोविड पेशेंट है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंची रूफी जैदी ने वहां से जो रिपोर्ट तैयार की वो असलियत बयां कर रही है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर एक बार फिर परेशान मरीजों की तस्वीर नजर आने लगी है, और ये वो मरीज हैं जो नॉन कोविड पेशेंट हैं। किसी को आज अल्ट्रासाउंड के लिए डेट मिली थी, कोई अपना इलाज कराने आया था, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल में नॉन कोविड पेशेंट्स की एंट्री फिलहाल नहीं है और OPD बंद हो गई है। आप किस लिए आए थे आज? मैडम, हमारा अल्ट्रासाउंड के लिए डेट दिया गया था, अल्ट्रासाउंड के लिए, और इसके लिए हम 2019 यानी कम से कम ये मान लीजिए 2 साल से भटक रहे हैं। हमें ब्लड कैंसर है, हमारा जो है कि यहाँ इलाज चलता है, 28 दिन पर बुलाते हैं। पिछली बार हम आए थे 28 दिन पे दवा मिली थी, अब की बारी आए हैं तो बता रहे हैं बंद है।